देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इन द गिवन फिगर, ये रहा फिगर, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्स। अब देखिए ये रहा एक्स पी, ये रहा एक्स क्यू, दोनों टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट एक्स। मतलब यहाँ पर आपको वो थ्योरम जरूर यूज करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो इस थ्योरम के बेसिस पर आप दिखा सकते हैं कि एक्स पी और एक्स क्यू दोनों इक्वल होगा। वैसे आप देखिए ए पी और ए आर, ये दोनों भी टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, और बी आर और पी क्यू ये दोनों भी टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट बी। तो इसी थ्योरम के बेसिस पर हम दिखा सकते हैं कि ए पी और ए आर भी इक्वल होगा, बी आर और बी क्यू भी इक्वल होगा। अब देखिए क्या प्रूव करने बोला आपका क्वेश्चन में, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। यहाँ पर देखते हैं ये रहा एक्स ए, ये रहा ए आर, और एक्स बी प्लस बी आर, ये रहा एक्स बी, ये रहा बी आर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे आप? तो देखिए रिक्वायर्ड टू प्रूव एक बार सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, ये कैसे प्रूव करें? आपको पता है ए आर और ए पी तो इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए है, और वैसे बी आर और बी क्यू इक्वल है, दोनों टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट बी। मतलब ये है कि अगर हम लोग ये प्रूव कर दें, अगर हम ए आर की जगह यहाँ पर एक बार ए पी लिखें और अगर हम बी आर की जगह एक बार बी क्यू लिखें, तो एक्स पी प्लस बी क्यू। देखिए अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। अगर हम एक्स ए प्लस ए पी को एक्स पी प्लस बी क्यू के इक्वल दिखा दें, तो ए पी की जगह ए आर आ जाएगा, बी क्यू की जगह बी आर आ जाएगा, तो एक्स ए प्लस ए आर हो जाएगा एक्स बी प्लस बी आर के इक्वल। अब एक्स ए प्लस ए पी है किसके इक्वल, यहाँ पर देखते हैं एक्स ए प्लस ए पी ये किसके इक्वल होगा, एक्स पी के इक्वल। वैसे एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू ये किसके इक्वल होगा, एक्स क्यू के इक्वल। मतलब अगर हम ये दिखा देते हैं तो आप एक्स पी को ब्रेक कर सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी में, और एक्स क्यू को ब्रेक कर सकते हैं एक्स बी प्लस बी क्यू में। एक्स ए प्लस ए पी जैसे ही एक्स बी प्लस बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ए पी की जगह आप ए आर लिख देंगे, बी क्यू की जगह बी आर लिख देंगे, तो एक्स ए प्लस ए आर एक्स बी प्लस बी आर के इक्वल हो जाएगा। अब बस आपको देखना है कि एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू प्रूव हो सकता है क्या? बिल्कुल। रीजन क्या, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में बात किया था, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले वो थ्योरम यूज किया था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, और वैसे ही ए पी हो जाएगा ए आर के इक्वल, और ये बी आर हो जाएगा बी क्यू के इक्वल। ठीक है, अब ये तीनों तो टेंजेंट्स इक्वल हो गए। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सिंस एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब आपको एक्स पी को ब्रेक कर देना, एक्स पी की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस ए पी। तो जब एक्स पी और एक्स क्यू इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ए प्लस ए पी ये किसके इक्वल है, एक्स पी प्लस बी क्यू के इक्वल है। ये हो गया एक्स पी प्लस बी क्यू के इक्वल। बस अब क्या करना है आपको, ए पी की जगह ए आर लिखना है, बी क्यू की जगह बी आर लिखना है। तो जब एक्स ए प्लस ए पी है एक्स पी प्लस बी क्यू के इक्वल, तो फिर एक्स ए प्लस ए आर हो गया एक्स पी प्लस बी आर के इक्वल। देखिए यही प्रूव करना था, प्रूव कितना छोटा सा सोल्यूशन था। देखिए